इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 किलोमीटर लंबे हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। साथ ही तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव के साथ मियापुर और कुकपल्ली के बीच सफर भी किया। प्रोजेक्ट के पहले फेज में नकोले मियापुर के बीच ये मेट्रो चलेगी। इस रूट में कुल 24 स्टेशन पड़ेंगे। बता दें कि 2 किलोमीटर तक के लिए न्यूनतम किराया 10 रुपए होगा और 26 किलोमीटर से ज्यादा दूरी के लिए अधिकतम किराया 60 रुपए होगा, जबकि अभी मेट्रो में 3 ही कोच होंगे, जिसे भविष्य में यात्रियों की संख्या के अनुरूप 3 से बढ़ाकर 6 किया जा सकता है। तो लंबे समय से प्रतीक्षित हैदराबाद मेट्रो के शुभारंभ के बाद पीएम मोदी ने तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव और राज्यपाल ईएसएल नरसिम्हन के साथ मेट्रो का सफर भी किया। दोनों तस्वीरें देखिए, मेट्रो को हरी झंडी, उद्घाटन और उसके बाद तेलंगाना के सीएम के साथ मेट्रो के सफर का आनंद लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो हैदराबाद में जैसे ही मेट्रो का उद्घाटन हुआ, उसके बाद पहली मेट्रो महिला ड्राइवर ने दौड़ाई। पीएम मोदी ने इसी मेट्रो से 30 किलोमीटर लंबा सफर तय किया। इस दौरान पीएम के साथ आंध्र के सीएम भी मेट्रो में मौजूद थे। तो हैदराबाद को मेट्रो की सौगात और प्रधानमंत्री ने सफर किया, पहली मेट्रो दौड़ी और उसे दौड़ाया एक महिला ड्राइवर ने। महिला ड्राइवर ने पहली मेट्रो चलाई, यह तस्वीर देखिए दूसरी। तो हैदराबाद को मेट्रो की सौगात मिल गई। अहम बातें, पीपीपी मॉडल पर बना विश्व का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है यह। नकोले मियापुर के बीच 30 किलोमीटर की दूरी यह मेट्रो तय करेगी और 30 किलोमीटर की दूरी के बीच कुल 24 स्टेशन पड़ने वाले हैं। अभी मेट्रो में सिर्फ 3 कोच लगे हैं, आगे संख्या बढ़ेगी, 6 कोच हो जाएंगे। हर कोच में 330 लोग सफर कर सकते हैं। न्यूनतम किराया फिलहाल 10 रुपए है, अधिकतम किराया 60 रुपए होगा इसका। 29 नवंबर से यानी कि कल से आम आदमी के लिए यह सेवा शुरू हो जाएगी, इसकी शुरुआत हो जाएगी। मेट्रो स्टेशन के पास फीडर सेवा भी चालू की जाएगी। नगोले मियापुर के बीच कुल 546 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती होगी। सभी ट्रेनों और स्टेशन पर पहले से ही सीसीटीवी लगे हुए, एहतियातन सुरक्षा के मद्देनजर।